नीरजा गई। ये तो भला हो दीदुन, मैंने नीरजा और चक्री को बात करते हुए सुन लिया। क्या? हाँ दीदुन, यहाँ 2 दिन से बाड़ी में नहीं बल्कि अस्पताल में है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुरुदेव असली नहीं है। किसी सिद्ध पुरुष का नाम लेकर त्रिशा किसी ढोंगी को वहां लेकर आई है। हाय रे मेरी शब्बो रानी, बड़ी सयानी हो गई रे तू। मैं कहीं भी रहूं, मेरी बाड़ी की हर खबर मुझे रहती है। तू जो है, अच्छा है तूने सही वक्त पर बता दिया मुझे और हम यहाँ आ गए और ये नौटंकी कर दी, वरना क्या हो जाता। त्रिशा बैठी है वहाँ गुरुदेव बनकर, क्योंकि ये जो नीरजा है ना, ये भी बड़ी सियानी है। यहाँ रुकेगी नहीं, हो जाएगी बागची हवेली और अपनी आंखों से गुरुजी को देखेगी। जय जय गुरुदेव, है ना? लेकिन दीदुन, अगर ऐसा हो गया तो तेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। हफ्ते में 5 दिन खाती थी वो, तो अगर ये गुरुदेव दीदुन ही है तो ये फल सब्जी खाकर तो अब तक बोर हो गई होगी दीदुन। अब मैं पता लगा सकती हूँ कि गुरुदेव के चेहरे के पीछे दीदुन का चेहरा छुपा है या नहीं। वो आपका फलहार माँ ने भेजा। खास पूछ के ला के बकरी बना देंगे ये बागची लोग। कुछ कहा आपने? बस यही कि बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें। हेलो। हाँ अबीर, क्या आप अरसलान की बिरयानी लेकर आ रहे हैं आज डिनर में? लेकिन आज तो सोमवार है ना अबीर, मैं आज नहीं खा पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फ्रिज में रख दूंगी, कल खा लूंगी। छोड़ तो नहीं सकती, मेरी फेवरेट है ना। हाँ हाँ आप ले आइए ले आइए। ठीक अच्छा।